नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर और जो सेकंड ग्रेड टीचर्स है उनका जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ाने जा रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है समुदाय कम्युनिटी। समुदाय का मीन्स क्या है तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, समुदाय कम्युनिटी जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है उससे मिलकर के बना है, और जो कम्युनिटी है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम और म्यूनिस, COM कॉम और MUNIS म्यूनिस। इसमें कॉम का अर्थ है टू गैदर एंड म्यूनिस का अर्थ है टू सर्व। इसका कॉम का मतलब है एक साथ रहना और टू सर्व का मतलब है सेवा करना। तो इस अभिप्राय से अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो जो एक साथ रहते हुए एक दूसरे की सेवा करते हैं, सहायता करता है, ऐसे समूह को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। तो समुदाय दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ है टू सर्व। टू सर्व मतलब सेवा और टुगेदर मतलब एक साथ। अब बात आती है कि समुदाय होता क्या है। तो समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समुदाय के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर यह है कि समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय का अर्थ है ऐसा समूह जो मिलकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम समुदाय कहते हैं। अब आती है समुदाय की डेफिनेशंस की। तो कई विद्वानों ने समुदाय की डेफिनेशंस दी है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले बोगार्ट्स का। बोगार्ट्स ने कहा ऐसा सामाजिक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। ऐसा समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। ये बोगार्ट्स ने परिभाषा दी है किसकी, समुदाय की। तो समुदाय बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। अब बात आती है आगबर्न एवं नीमकॉफ। आगबर्न और नीमकॉफ साहब ने भी कम्युनिटी समुदाय की डेफिनेशन दी है। वो क्या दी है कि सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को, जो एक सीमित क्षेत्र में रहते हैं और सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पूर्ण संगठन को हम समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी ही सुंदर परिभाषा आगबर्न और नीमकॉफ ने प्रस्तुत की। उसके बाद आता है गिन्सबर्ग ने। गिन्सबर्ग ने भी समुदाय की परिभाषा बताई और कहा ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें व्यतीत करने वाला सामाजिक प्राणियों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रकार के असीमित विभिन्न जटिल संबंध होते हैं। मतलब एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का समूह जिसमें विभिन्न प्रकार के असीमित और विभिन्न जटिल संबंध उन सब के मध्य होते हैं, उसे ही हम सामाजिक समूह, उस सामाजिक समूह को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा दी गिन्सबर्ग साहब ने। उसके बाद आता है मेकाइवर। मेकाइवर कहते हैं समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें जो जीवन की समस्त भौतिक दशाएं जिसमें होती है, वह जो करते हैं, जो अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, उसे ही हम समुदाय के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा दी मेकाइवर ने। तो हमने यहाँ चार परिभाषाओं को सुना, पहला बोगार्ट्स, दूसरा आगबर्न एंड नीमकॉफ, तीसरा गिन्सबर्ग और चौथी है मेकाइवर।
पहली परिभाषा में बोगार्ड्स कहता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे वो समुदाय है। आकबर्न और नीमकोप कहता है कि जिनका सामाजिक जीवन एक ही स्थान पर अपने सामाजिक जीवन को जीने वाले पूर्ण संगठन को हम समुदाय के नाम से जानते हैं। गिन्सबर्ग कहता है जिसमें विभिन्न प्रकार के असीमित जटिल संबंध होते हैं उसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेकाइवर साहब कहते हैं कि ऐसा समूह जो जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं ऐसे छोटे या बड़े समूह को किस नाम से जाना जाता है, समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये परिभाषा दी थी मेकाइवर साहब ने। इन परिभाषाओं के आधार पर हम समुदाय की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर बता सकते हैं। तो समुदाय की पहली परिभाषा है व्यक्तियों का समूह। देखो विद्यार्थियों, जो समुदाय होता है वो कई व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ रहते हैं, एक जैसे रीति रिवाजों का प्रयोग करते हैं, एक जैसा उनका क्या होता है, कल्चर होता है, संस्कृति होती है, खान पान होता है, रहन सहन होता है। ऐसे समुदाय जो व्यक्तियों का समूह है उसे ही हम समुदाय के नाम से जानते हैं। तो समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है विद्यार्थी। एक बात ध्यान रखना है, जो समुदाय होगा या व्यक्तियों का समूह होगा वो एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करते हैं, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनता को ही उस समुदाय के नाम से इंगित किया जाता है। तो समुदाय विशेष के बारे में जानकारी हमें इस बात से पता चलती है कि वो एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करती है। तो जिसका एक निश्चित भू क्षेत्र हो उसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं, मतलब समुदाय एक निश्चित भू क्षेत्र में निवास करता है। फिर है आत्मनिर्भरता। समुदाय के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वो एक दूसरे समुदाय के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये प्राचीन काल की अवस्थाएं हैं, आज वर्तमान में हर समुदाय हर दूसरे समुदाय पे पराश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। आज कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, हम हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। प्राचीन काल में जो समुदाय होते थे वो आत्मनिर्भर होते थे, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना, अपनी जो चीजें हैं उन्हीं को यूज करना। लेकिन आज हम जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं उसमें आज कोई ना तो देश आत्मनिर्भर है, ना कोई राज्य आत्मनिर्भर है, ना ही कोई समुदाय आत्मनिर्भर है। आज हर नागरिक क्या है, पराश्रित अवस्था में है। तो समुदाय में आत्मनिर्भरता होती है, लेकिन आज धीरे 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 समाज पराश्रित अवस्था में आते जा रहे हैं। उसके बाद है सामुदायिक भावना। ये होती है जहाँ समुदाय होता है हमारे मन में सामुदायिक भावना का विकास होता है। समाज क्या है, समाज के कल्चर को समझना, सामाजिक गुणों का विकास होना, ये सब क्या है, ये समुदाय के अंदर ही व्यक्ति में आते हैं। तो समुदाय के अंदर सामुदायिक भावना होती है विद्यार्थियों। उसके बाद आता है सामान्य जीवन। सभी लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, मनोरंजन के साधन, ये सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसा सामान्य जीवन जो है समुदाय व्यतीत करता है। तो समुदाय का सामाजिक जीवन होता है और इनके उद्देश्य व्यापक होते हैं, मतलब विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए जिसमें व्यापक समुदाय की जन कल्याण की भावना हो उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके समुदाय का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है नियम और उपनियमों की व्यवस्था होती है। आप जानते हो विवाह के संबंधी नियम होते हैं, जन्म के समय नियम होते हैं, विवाह अंत्येष्टि संस्कार के समय नियम होते हैं। तो हर समुदाय अपने नियमों को निर्धारित करता है, अपने रीति रिवाजों के नियमों को बनाता है। तो ध्यान रखना समुदाय के अंदर नियमों की एक सामान्य व्यवस्था का होना आवश्यक है। उसके बाद होता है, इसके बाद है विशिष्ट स्थायित्व समुदाय में, स्थायित्व का। हाँ, वहां पर भूकंप आ गई,
बाढ़ आ गई, सूखे की समस्या पैदा हो गई, तो हो सकता है समुदाय नष्ट हो जाए, वरना समुदाय जो है वो चलता रहता है निरंतर। अगर कोई आपदा के कारण अगर कोई समुदाय नष्ट हो जाए वो बात अलग है, बाकी समुदाय में स्थायित्व का गुण विद्यमान होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट स्थायित्व जो है वो किसके अंदर होता है, समुदाय के अंदर होता है। तो समुदाय की इन विशेषताओं के बारे में देखा हमने कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय में निश्चित भूभाग होता है, समुदाय में आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है, समुदाय में सामुदायिक भावना विद्यमान होती है, समुदाय में सामाजिक जीवन एक जैसा होता है, समुदाय के उद्देश्य व्यापक होते हैं, समुदाय में नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होती है, समुदाय में स्थायित्व का गुण विद्यमान होता है। तो आपने देखा सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है क्या, समुदाय छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, उनका निश्चित भूक्षेत्र होता है, एक जैसी सामान्य जीवन की प्रणाली होती है, एक पूर्ण संगठन होता है, कौन समुदाय। और समुदाय दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम और म्यूनिस टूगेदर, मतलब ये है कि ऐसा समुदाय जो एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम समुदाय के नाम से जानते हैं। और आप बीएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं या बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनको समुदाय का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि उनको बालकों में कौन सी भावना, सामुदायिक भावना का विकास करना है, समुदाय की भावनाओं को समझना है, उनकी संस्कृति को समझने के लिए ये सब पढ़ना के लिए आवश्यक है। और जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स है, उनमें भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है समुदाय, और समुदाय से जो है अप्लाइंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर पाने के लिए आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से दे सके विद्यार्थियों। तो नवभारती स्टडी सर्कल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें विद्यार्थियों। धन्यवाद।